हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सैफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ सैफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कश्मीरी मटन रोगन जोश बनाना। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और इसकी कुछ विशेषताएं भी है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम कश्मीरी मटन रोगन जोश बनाना। सबसे पहले गिरने मार देते हैं गरम मसाले पर। मैंने लिया है 2 पीस दालचीनी, तेजपत्ता 2 पीस, लौंग 8 पीस, इलायची 3 पीस, बिग इलायची 1 और 1 सौंठ। साथ में लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप कर्ड। कर्ड को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट स्वादानुसार थोड़ा सा डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करते हुए एक विशेष तौर पे ध्यान रखने का है कि इसके अंदर गांठें नहीं रह जाए मसाले की, तो उसके हिसाब से हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। चलिए, मैंने कर्ड को मसाले के साथ मिक्स कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हम मटन रोगन जोश बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा ली और गैस ऑन कर लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ऑयल। यहाँ ऑयल लिया है मैंने 6 टेबल स्पून। आप चाहे तो इसके अंदर सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ डाल दिया 1 टीस्पून जीरा और गरम मसाला। गरम मसाले के साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, जो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चलिए, हींग और गरम मसाला हमारा तेल के अंदर अच्छे से पक गया। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ऑनियन। यहाँ मैंने ऑनियन को स्लाइस ऑनियन कट करके रखा है तो मैं डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऑनियन स्किप भी कर सकते हैं मटन रोगन जोश के अंदर, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये रेसिपी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसीलिए आज हम आपके लिए ऑनियन वाली ये रेसिपी लेके आए हैं। इसके अंदर ना टमाटो गिरता है ना ही ग्रीन चिली गिरता है। चलिए, सबसे पहले हम ऑनियन को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मटन रोगन जोश बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं रहता है और ना इसके अंदर हम टमाटर डालते हैं ना ग्रीन चिली डालते हैं। चलिए, ऑनियन हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ मटन। मटन यहाँ पर मैंने मिक्स में मटन लिया है, आप चाहे जो भी हिस्सा पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। मटन को इसमें डालकर एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। चलिए, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेता हूँ मैं और साथ में ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, इससे क्या इसका जो भी बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा और नमक से मटन जल्दी गल जाता है। चलिए, 5 मिनट जितना हम इसे ऐसे ही इसके साथ हल्दी और नमक के साथ भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है मुझे इसे भूनते हुए। अब हम ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च को पहले हम एक बाउल के अंदर निकाल कर इसके अंदर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गांठें नहीं रह जाए। चलिए, एक चम्मच की सहायता से मैं इसे अच्छे से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ और इसे अभी ऐड कर लेता हूँ इस मटन के अंदर। साथ में बॉल के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर हिला के वापस इसमें डाल देंगे। फिर वापस मैं इसे 5 से 7 मिनट तक इसी कश्मीरी लाल मिर्च के साथ में भूनूंगा। कश्मीरी लाल मिर्च से मटन का कलर काफ़ी अच्छा आता है और स्पाइसी भी नहीं रहता, इसीलिए मटन रोगन जोश स्पाइसी बिल्कुल नहीं रहता है और कलर भी उसका काफ़ी अच्छा रेड कलर रहता है। चलिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ कर्ड। कर्ड के अंदर हम जो मसाले ऐड करके रखे थे मिक्स करके, वो कर्ड मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर डाल देते हैं। करीब 10 से 12 मिनट तक वापस हम दही के मसाले के साथ में मटन को भूनेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही है कि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक आप भून सकते हैं मटन को कर्ड के साथ में, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर चलिए, आप देख सकते हैं मटन मेरा थिक हो चुका है
और मेरे को भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ हॉट वाटर। हॉट वाटर यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर लिया है 1 किलो मटन के अंदर। तो चलिए हॉट वाटर इसके डाल देते हैं और फिर इसे एक बार अच्छे से हिला लेते हैं। हिलाने के बाद मैं इसे कवर करके करीब 1 घंटे तक और पकाऊंगा। अगर पानी बीच में कम पड़े तो आप गर्म पानी और थोड़ा डाल सकते हैं, पानी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। बीच बीच में हम इसे ढक खोल कर चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। उस दौरान हमारी गैस की फ्लेम लो एंड हाई रहेगी। चलिए बीच में चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, कश्मीरी मटन रोगन जोश की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो स्पाइसी नहीं रहता है बिल्कुल ही, जबकि उसका कलर रेड रहता है। और इसके अंदर ऑनियन, टोमाटो और ग्रीन चिली बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन ये ऑनियन वाली जो रेसिपी है ये भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए आज हम आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मुझे पकाते हुए करीब 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी थिक हो चुकी है, जबकि हमने इसमें थिकनेस का कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दही डाला है और थोड़ा सा 2 ऑनियन डाला है। चलिए अब हम इसे एक बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सी मटन बन के हमारी तैयार है। देख सकते हैं आप कितनी शानदार और कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी मटन रोगन जोश की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।